कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में कल्पना नहीं एक ब्रांड बन चुकी है। कुछ महीना पहले ही राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना खुद को इतना मजबूत कर ली है कि अब उसके सामने हेमंत सोरेन भी फीके पड़ चुके हैं। कल्पना महज कुछ ही दिनों में जेएमएम के लिए स्टार प्रचारक बनकर उभरी, साथ ही इंडिया ब्लॉक में उनकी डिमांड ऊंचे पायदान पर पहुंच गया है। बातें तो यहां तक पहुंच गई है कि इस बार हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उनके भाषणों ने उन्हें लोकप्रिय नेता बना दिया है। उनके साथ महिलाओं और युवाओं की एक बड़ी भीड़ खींची चली आती है, जिसे देख हेमंत सोरेन भी खुद हैरान हो चुके हैं। लेकिन भाजपा ने ऐसे ब्रांडेड नेता के बीच किसी हाई प्रोफाइल चेहरा को उतारने के बजाय एक जिला परिषद अध्यक्ष को उतारा है, जो पहले कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है। ऐसे में क्या होगा, मुनिया देवी का कांडे से चुनाव लड़कर भाजपा को जीत दिला पाएगी या कल्पना की राह को आसान बनाएगी? नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। उन्नीस तारीख को भाजपा ने अपने 66 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। इनमें से एक दिलचस्प उम्मीदवार मुनिया देवी है, जो गांडे विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर होगी। हालांकि जेएमएम ने अभी तक कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जेएमएम एक बार फिर से कल्पना सोरेन को ही गांडे सीट से उतारने वाली है। ऐसे में इस बार गांडे में एक अलग खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने उस गांडी सीट से कुशवाहा समाज से ताल्लुकात रखने वाली मुनिया देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आपको यह जानना सबसे पहले बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मुनिया देवी है कौन। तो मुनिया देवी अभी वर्तमान में गिरिडीह से जिला परिषद अध्यक्ष है और एक साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई है। पिछले साल जून 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान मुनिया देवी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मुनिया देवी के बारे में और आपको बता दें कि वह 2010 से पहले एक गृहिणी के तौर पर पहचान रखती थी। इसके बाद उन्होंने 2010 से 11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा और जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। उसके बाद राजनीति में इनका कद बढ़ता चला गया। इसके बाद 2022 में वह दोबारा जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित हुई और जिला परिषद अध्यक्ष भी बन गई। और यह पहला मौका होगा जब मुनिया देवी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी, और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के टिकट पर। लेकिन इसी के साथ एक सवाल उठता है कि आखिर मुनिया देवी को ही गांडे से भाजपा का प्रत्याशी क्यों बनाया गया? और भी नाम थे, उन्हें भी टिकट मिल सकता था, लेकिन क्यों नहीं मिला? तो चलिए इन बातों को भी आपको बताते हैं। मुनिया देवी को टिकट मिलने का पहला कारण था कि गांडे में उनका मायके है और वह यहाँ की हर एक गांव घर से वह पूरी तरह से वाकिफ है, जिससे लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया जा सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस गांडे सीट से कल्पना सोरेन के खिलाफ कोई दूसरा बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि कल्पना के बढ़ते जनाधार को देख बड़े नेता सस्पेंस में थे कि वहां से चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में लास्ट ऑप्शन मुनिया देवी ही बची थी, क्योंकि दिलीप वर्मा इस उपचुनाव में कल्पना का सामना कर चुके थे और उन्हें हार मिली थी। तो वहीं जेपी वर्मा हाल ही में जेएमएम छोड़ फिर से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस बार नए चेहरे पर दाव लगाने का निर्णय किया ताकि समीकरण को बदला जाए। इन्हीं वजहों से मुनिया देवी का टिकट कन्फर्म कर दिया गया। लेकिन गांडे से मुनिया देवी की जीत होगी या हार, इसका अनुमान वहां के जाति समीकरण से काफी हद तक लगाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक गांडे विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और आदिवासी का वोट प्रतिशत 35-40 के बीच है। इसकी एकजुटता किसी भी प्रत्याशी के हार जीत की नींव मजबूत कर देती है, पर अक्सर देखा गया है कि इन दोनों समुदाय का झुकाव झामुमो की ओर रहा है। यही वजह रही है कि गांडे में अब तक 10 बार के विधानसभा चुनाव में 5 बार जेएमएम को जीत मिली है, लेकिन हो सकता है कि इस बार का समीकरण थोड़ा बदल जाए, क्योंकि इस बार आजसू और भाजपा गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में भाजपा के कोर वोटरों का बिखराव कम होगा, क्योंकि अगर 2019 की विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो इस चुनाव में झामुमो की टिकट पर सरफराज अहमद चुनाव लड़े थे और 65,022 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं जयप्रकाश वर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 56,167 वोटों के साथ
दूसरे नंबर पर रहे थे और आजसू की टिकट पर अर्जुन बैठा चुनाव लड़े थे और 15,361 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं 2019 के चुनाव में JBM के टिकट पर दिलीप कुमार वर्मा चुनाव लड़े थे, उन्हें मात्र 8,952 वोट ही मिले थे। पर अब गठबंधन के तहत इस सीट से सिर्फ भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में इन तीनों के आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो यह आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच जाता है, जो जीत के लिए काफी है। शायद अगर BJP इन्हीं आंकड़ों को देखकर जीत के लिए आश्वस्त है तो शायद यह उनका वहम भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2024 में हुए उपचुनाव में अगर देखें तो कल्पना सोरेन उस वक्त पहली बार राजनीति में आई और पहली बार चुनाव भी लड़ी, लेकिन 1,09,827 वोटों के साथ चुनाव जीत गई। तो वहीं उस चुनाव में ना आजसू चुनाव लड़ी और ना ही JBM, सिर्फ BJP चुनावी मैदान में थी, फिर भी भाजपा 82,678 वोटों पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं कल्पना सोरेन 27,149 वोटों से चुनाव जीत गई। पर अब यह जीत का मार्जिन और भी बढ़ सकता है क्योंकि अब कल्पना एक ब्रांड बन चुकी है जिसकी लोकप्रियता झारखंड में दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में कल्पना के रथ को मुनिया देवी कैसे रोक पाएगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, गांडे से इस बार कल्पना सोरेन या मुनिया देवी, दोनों में से कौन जीत सकता है गांडे का चुनाव, इसे कमेंट में आप जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।